नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। बेरोजगारों को लखनऊ में अनशन छोड़ बुलाया जयपुर। धर्मेंद्र ने की मध्यस्थता, शाम को वार्ता में बनी सहमति। मुख्यमंत्री से फाइनल वार्ता आज होगी। जयपुर भास्कर। बेरोजगारों व गहलोत सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच शनिवार को बेरोजगार प्रतिनिधियों को लखनऊ में अनशन छोड़ वार्ता के लिए सीएम ने बुलाया। कुछ मांगों पर सहमति बन गई। अब रविवार को मुख्यमंत्री गहलोत से दोपहर 3 बजे फाइनल बात होगी। संभावना है कि 56 दिन से चला रहा आंदोलन रविवार को खत्म हो जाएगा। बेरोजगार पिछले 7 दिन से लखनऊ में प्रियंका गांधी के ऑफिस के बाहर अनशन पर बैठे थे। 2 घंटे की वार्ता में इन मांगों पर सहमति बनी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, रीट 2021 के पद बढ़ाने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती विज्ञप्ति, नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व पीटीआई भर्ती को लेकर सीएम के साथ रविवार को बैठक आज। रीट शिक्षक भर्ती 2012 और 2018 एजी करेंगे पैरवी। विशेष शिक्षकों के 5000 पदों के लिए अगले सप्ताह बैठक। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची 7 दिन में जारी होगी। पंचायती राज एलडीसी जेएन भर्ती पर सोमवार को बैठक। शारीरिक शिक्षा के 7000 पद भरने की गुहार। नवज्योति जयपुर। पीटीआई शिक्षक भर्ती 2021 मामला। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजा 10 सूत्री मांग पत्र। धौलपुर भास्कर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को केंद्र के सम्मान 4200, वरिष्ठ अध्यापकों को 4800 व व्याख्याता स्वर्ण के 5400 की ग्रेड पे निर्धारित करें। निदेशक ने संगठन के 17 सूत्री मांग पत्र पर की वार्ता। 6 दिसंबर की रैली स्थगित। सीकर भास्कर। विभिन्न मुद्दों को लेकर 50% उपप्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती हो एवं अन्य मामलों को लेकर। आरपीएससी सरकार ने कुमाऊत कमेटी की सिफारिश पर तय की गाइडलाइन। बार बार फॉर्म भरने का नई झंझट शुरू होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। कुमाऊत कमेटी की सिफारिश, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सरकार की गाइडलाइन, 15 जुलाई तक करना होगा। अभ्यर्थियों का परीक्षण, तकनीकी आपत्तियों का कार्मिक विभाग 31 अगस्त तक करेगा निस्तारण। आयोग 30 सितंबर तक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। भर्ती पदों का ब्यौरा, परीक्षा चरण, समयवादी का ब्यौरा। अभ्यर्थियों आयोग को फायदा। अभ्यर्थियों को नहीं भरने होंगे प्रत्येक भर्ती के फॉर्म, आयोग की यूनिक आईडी से कर सकेंगे भर्तियों के आवेदन। गाइडलाइन के अनुसार होगा शुरू। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। आईटी विभाग और अफसरों से चर्चा की है। अभ्यर्थियों को बार बार भर्तियों के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, आरपीएससी चेयरमैन। परीक्षा में धांधली का दंश। रीट, यूपी टेट एवं अन्य परीक्षाएं। शिक्षक भर्ती 2004 से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को किया तलब। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा ने अदालत में कहा 15 दिन में उठाए जाएंगे आवश्यक कदम। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी। राजस्थान पत्रिका न्यूज बीकानेर।
25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश। डेलेड प्रथम व द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 9 से। राजस्थान पत्रिका न्यूज बीकानेर। शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की लेटल तिथि 9 महीने बाद भी तय नहीं, कला शिक्षा कौन पढ़ाएगा? राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। बिना पढ़े बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, बीकानेर। 13 दिसंबर से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, बिना पुस्तकों के कैसे परीक्षा देंगे? नौनिहाल, एनसीईआरटी दिल्ली ने नहीं उपलब्ध करवाई पुस्तकें। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, 2 स्कूली बच्चों सहित 8 नए पॉजिटिव, 1 सप्ताह में 59 संक्रमित, जयपुर। नीट पीजी 2021 प्रवेश में सेवारत चिकित्सक को कोर्ट ने बोनस अंक देने का आदेश दिया, नवज्योति जोधपुर। विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष मनोविज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 8 व 9 दिसंबर को, नवज्योति जोधपुर। राज्यपाल से विश्वविद्यालय में केवल शिक्षक भर्ती 2012-13 के शिक्षकों के लिए ही फैसले लेने की शिकायत, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा के बाद 70% परिणाम हुए जारी, बच्चे हुए रिजल्टों को जल्द जारी करने की तैयारी, नवज्योति जयपुर। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का दूसरा चरण आज, नवज्योति जोधपुर। सीबीएसई ओएमआर सीट का मूल्यांकन एग्जाम के दिन ही कर रहे हैं, प्रश्न और उत्तर कुंजी के बारे में महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की, अजमेर भास्कर। स्टाफ को बदलने के लिए विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन, जयदारण पाली। सेकावटी विश्वविद्यालय ने 24 कॉलेजों को जारी नहीं की संबंधित स्टूडेंट्स नहीं दे सकेंगे परीक्षा, सेकावटी विश्वविद्यालय सीकर। बोर्ड की राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा आज, 80% अंक लाने पर 12वीं तक 1250 व उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी 2000 रुपये छात्रवृत्ति, डूंगरपुर भास्कर। अब प्रोफेशनल कोर्स डिग्री या डिप्लोमा पास बेरोजगारों को बिना ट्रेनिंग के ही मिलेगा भत्ता, बांसवाड़ा भास्कर। एसटीएससी परीक्षा आज, श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय पर 2 परीक्षा केंद्र बनाए, 7 साल तक हर महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन स्कूल स्तर पर ऑनलाइन भरे जाएंगे, बीकानेर शिक्षा विभाग। 11वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2 पाली में होगी, पेपर हल करने के लिए मिलेगा 2.5 घंटे का समय, बीकानेर शिक्षा विभाग। सेकावाटी विश्वविद्यालय ने लॉ व कॉमर्स सहित 16 कोर्सेज में 15 तक मांगे आवेदन, सीकर भास्कर न्यूज। फीस जमा नहीं कराने से स्कूलों के सामने गहराया संकट, कई स्कूल बंद होने के कगार पर, जयपुर भास्कर न्यूज। बीटीयू ने प्रथम वर्ष के 70% बच्चे फेल किए थे, इधर आरटीयू ने कर दिए कर्मोन्नत, अजमेर भास्कर न्यूज। प्रतिभा खोज परीक्षा आज, प्रदेश के 22,000 विद्यार्थी बैठेंगे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। विश्वविद्यालय के फरमान से अतिथि शिक्षकों की कक्षाएं हटाई, व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, नवज्योति। एपीआरओ भर्ती चयन बोर्ड ने जारी किया सिलेबस, जयपुर नवज्योति। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।